सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही थी कि रेस्क्यू हो जाएं लोग, तो रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए हैं। खबर है कि करीब 5 लोगों की जाने गई हैं, और हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो ड्राइवर थे जिन्होंने वो सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आगे चले गए, उनकी भी जान चली गई है। ठीक ठाक हालत में ट्रेन है, उसको अभी हम लोग निकाल रहे हैं आगे डीजल लगा के, और उसको अपने गंतव्य तक पहुँचा देंगे। तो वो अभी किसी भी समय चल सकती है वो ट्रेन, और उसमें जितने भी यात्री हैं वो सब अपने डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे। ये आज सुबह ये हादसा हुआ है, कंचनजंगा ट्रेन जो कि अगरतला से सियालदा जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से। एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आके उसको हिट किया है। उसकी वजह से जो सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा था वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, और आगे दो पार्सल वैन लगे हुए थे जिनकी वजह से ज़्यादा क्षति और पैसेंजर्स को नहीं हुई, और उसके आगे जो जनरल कंपार्टमेंट थे वो भी थोड़े से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही थी कि रेस्क्यू हो जाएं लोग, तो रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए हैं। हमारा एरिया ऑफिसर जो जलपाईगुड़ी में, न्यू जलपाईगुड़ी में है, वो और उसकी टीम तुरंत वहाँ पहुँच गए थे। ये करीब 10 किलोमीटर है एनजेपी से घटनास्थल, तो रेलवे के एडीआरएम और एरिया ऑफिसर अपनी टीम्स के साथ वहाँ तुरंत पहुँच गए। जो लोकल लोग हैं वो तो सबसे पहले आ ही जाते हैं, वो भी आ गए थे। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गए, और एनडीआरएफ, आर्मी, एवरीबॉडी, सब कोई वहाँ पर पहुँच गए हैं घटनास्थल पर रेस्क्यू के लिए। तो सारा रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अनफॉर्चुनेटली ये खबर है कि करीब 5 लोगों की जाने गई हैं, और हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो ड्राइवर थे जिन्होंने वो सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आगे चले गए, उनकी भी जान चली गई है, और जो गार्ड थे जो सबसे पीछे का डिब्बा था कंचनजंगा का, उनकी भी जान गई है। अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार 5 पैसेंजर्स की डेथ हुई है, और बाकी लोगों को जो वहाँ का नज़दीकी अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। सारी एम्बुलेंसेज आ गई थी उसकी मदद से। लगभग 50 लोग इंजर्ड हैं जो कि अभी हॉस्पिटल में हैं, पर इंजरीज शायद उतनी ग्रीवस नहीं है, और पूरी तरह की मेडिकल हेल्प उनको दी जा रही है। रेलवे के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी वहाँ पहुँच गए हैं, और उनको उनका इलाज पूरी तरह से कराया जा रहा है। हेल्प लाइन आप लोग के द्वारा वहाँ काम कर रहा है, जो पैसेंजर हैं या उस ट्रेन में जो सफ़र कर रहे थे उन लोगों को तत्काल अपने लोगों तक पहुँच सके, इसके लिए क्या सुविधाएं दी गई? जी, इसके लिए हमने सबसे पहले तो ये अरेंजमेंट किया है कि सबसे पहले तो लोग रेस्क्यू हो जाएं, जो भी लोग उसमें फंसे हुए हैं उस हादसे में, जिनको हेल्प, मेडिकल हेल्प की आवश्यकता है, उनको सबसे पहले मेडिकल हेल्प मिल जाए। वो कार्य पूरा हो गया है। उसके बाद अब जो बची हुई ट्रेन है, बाकी जो ठीक ठाक हालत में ट्रेन है, उसको अभी हम लोग निकाल रहे हैं आगे डीजल लगा के, और उसको अपने गंतव्य तक पहुँचा देंगे। तो वो अभी किसी भी समय चल सकती है वो ट्रेन, और उसमें जितने भी यात्री हैं वो सब अपने डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे। और बाकी जो इंजर्ड हैं उनके लिए हम लोग पूरी तरह से देखभाल कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड किस तरह से लोगों तक पहुंच रहा है, किस तरह की मॉनिटरिंग की जा रही है रेलवे बोर्ड के द्वारा, उसके बारे में बताइए। हमारे पास यहाँ पर एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है, जिसमें कि हम लोग तुरंत आ जाते हैं और घटना को यहाँ से उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। जिस प्रकार की सुविधा और जिस प्रकार की आवश्यकता है वो सब हम लोग यहाँ से कोऑर्डिनेट करके, स्टेट गवर्नमेंट, एनडीआरएफ, जिससे भी बात करने की आवश्यकता होती है मेडिकल हेल्प के लिए, वो सब हम लोग यहाँ से भी कोऑर्डिनेट करते हैं। लोकल लेवल पर तो हमारे लोग कोऑर्डिनेट कर ही रहे हैं, पर हम लोग भी यहाँ से सेंट्रल लेवल पर सारे कोऑर्डिनेट करके, सारा अटेम्प्ट यही रहता है कि सबसे पहले लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाए।